मार क्यों रहा है, मार क्यों रहा है आप भैया? उसको चढ़ा दिया, उसको देखो मर गया, मर गया। जो आपका पहला काम है वो आप कर नहीं रहे, उसको उठा के पहले हॉस्पिटल ले जाइए ना। मारने का हक किसने दे दिया आपको, इसको ड्राइवर को? गाड़ी क्या इसे दी थी बताओ तुम, क्या हो गया? खड़ी गाड़ी में ठोक दिया। खड़ी गाड़ी में उसको, उसकी गलती है ना अभी तो फिलहाल, तो उसको क्यों मार रहे हो? ड्राइवर कैसे गाड़ी चला रहा है? किसने अधिकार दे दिया आपको मारने का? इसको मारने का अधिकार किसने दिया? किसने कैसा गाड़ी? कोई जानबूझ के एक्सीडेंट करता है क्या? देखो सावधानी से चलाना चाहिए था। क्या सावधानी? कह रहा गाड़ी खड़ी, आप लोग बैठो आप चलिए, इनको लेके जाइए, एक्सीडेंट ना करिए। ये गलत तरीका है। मैं सभी समय अपील करना चाहता हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं ये वीडियो, जितने लोग देख रहे हैं, प्लीज कभी भी कोई एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं करता। कोई भी ड्राइवर कभी भी एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं करता। जब भी आप कोई भी, चाहे फोर व्हीलर चलाओ चाहे ट्रक चलाओ, हमेशा देखा जाता है कि जब कोई एक्सीडेंट होता है और उस पर कोई अगर डेथ इंजरी हो जाती है तो ड्राइवर वहां से भाग जाते हैं। क्यों भागते हैं? या तो ड्राइवर भाग जाएंगे या तो गाड़ी लेके चले जाएंगे ड्राइवर। क्यों भागते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि पब्लिक मार डालेगी। आपको मारने का हक किसने दिया? उसके लिए कानून बना हुआ है, संविधान है अपना, उस हिसाब से वो चलेंगे। आप अपना जो है कानून हाथ में क्यों लेते हैं? और ये जैसे ये बता रहे हैं, ऐसे कई बार होती है, कभी गलती जाने अनजाने, कोई भी व्यक्ति जो गाड़ी चलाता है वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि किसी को कुचल दे। तो प्लीज कभी भी ऐसी दुर्घटना में कभी भी आप ड्राइवर पे हाथ मत उठाइए, ये गैर कानूनी है। नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों। जैसा कि आपने देखा अभी वीडियो में कि एक एक्सीडेंट होता है और अक्सर ये हाईवे पे बहुत ज्यादा देखा जाता है कि किसी ट्रक वाले ने एक्सीडेंट किया और ट्रक वाला ड्राइवर जो है वो भाग गया। भागता क्यों है? अपनी जान बचाने के लिए भागता है वो। और कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी लेके ही ड्राइवर चला जाता है, तो उसका भी यही वजह है उसकी भी। तो प्लीज ये मॉब लिंचिंग वाली जो कंडीशन है, ऐसा फेस नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर गलती हो गई है, जाने अनजाने में अगर दुर्घटना घटित हो गई है, तो आप घायल को जल्द से जल्द आप राहत पहुंचाइए। यदि किसी स्थिति में वो मृत्यु हो गई हो उसकी घटना में, दुर्घटना में, तो प्लीज ड्राइवर को कभी भी ड्राइवर को मारिए पीटिए नहीं। और क्योंकि कोई भी ड्राइवर, चाहे फोर व्हीलर का ड्राइव कर रहा हो चाहे कोई बड़ी गाड़ी चलाता हो, कोई भी ये नहीं चाहता है कि उसके गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो और ऐसा एक्सीडेंट हो कि कोई खत्म हो जाए। तो प्लीज इस बात का ध्यान दीजिए।